हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जिसका नाम है सिंपल वन। इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में अगली बड़ी चीज़ होने वाली है। भारतीय बाजार में कई इलेक्ट्रिक स्टार्टअप कंपनी है, उनमें से कुछ पहले ही बड़ा नाम कमा चुके हैं जबकि कुछ अभी भी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल एनर्जी उन ब्रांड में से एक है जो मौजूद समय में काफ़ी ज़्यादा वादा कर रही है कि हम अपने स्कूटर में ये चीज़ें देने वाले हैं। और ये कंपनी बेंगलुरु का स्टार्टअप कंपनी है, बेंगलुरु से ही इस कंपनी को स्टार्ट किया गया। कंपनी की जो पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर है सिंपल वन, वो कंपनी ने घोषणा किया था कि ये 2021 के मिड तक इसको बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा, बट कोविड के सेकेंड वेव के वजह से इन्होंने जो डेट है उसको पोस्टपोन कर दिया है। अब कंपनी ये कह रही है कि इसको 15 अगस्त के दिन लॉन्च किया जाएगा, उस दिन से इसकी बिक्री को स्टार्ट किया जाएगा। कंपनी ने अपने फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर का टीजर भी जारी किया था। अब तक इस स्कूटर को मार्क टू कोड नेम से जाना जाता था, लेकिन इंडियन मार्केट में इसे एक नया नाम के साथ उतारा जाने वाला है। सिंपल एनर्जी के आने वाले नए इलेक्ट्रिक स्कूटर नाम होने वाला सिंपल वन। सिंपल एनर्जी ने सिंपल वन नाम के लिए पहले ही ट्रेडमार्क फाइल कर दिया था। सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और ये स्कूटर इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि ये एक लंबी दूरी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका टॉप स्पीड 103 किलोमीटर पर आवर तक का है। कंपनी का कहना है कि सिंपल वन सिर्फ 3.6 सेकंड में ही 0 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। इसमें 4.2 kWh लिथियम आयन बैटरी का पैक मिलता है जो 9.4 bhp का पावर और 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज के बाद इको मोड में 240 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकता है। लॉन्चिंग के बाद भारतीय बाजार में इसका मुकाबला एथर 450X, बजाज के चेतक से हो और TVS की iQube और ओला के आने वाले न्यू स्कूटर से हो। इस स्कूटर के साथ फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी मिलेगा, हालांकि इस स्कूटर को नॉर्मल घर के सॉकेट से भी चार्ज किया जा सकता है। फास्ट चार्जिंग सिस्टम के जरिए इसे सिर्फ 20 मिनट में 50% और 40 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। वहीं अगर इसके फुल चार्ज के टाइमिंग की बात करें तो फुल चार्ज होने में इसको 1 घंटा 5 मिनट तक का समय लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल सिंपल वन स्कूटर को बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद कंपनी कुछ और सिटीज़ में भी इसको लॉन्च करने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं इस स्कूटर के प्राइसिंग की बात करें तो इसका एस्टिमेट प्राइस जो है वो 1,10,000 से लेकर 1,20,000 तक हो सकता है। तो यही कुछ डिटेल्स अभी फिलहाल इस बाइक से निकल कर सामने आ रहा था कि इस बाइक को 15 अगस्त के दिन लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस स्कूटर में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे सब्सक्राइब करके या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखें, क्योंकि इसकी जब बुकिंग स्टार्ट होगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पर ही इसका अपडेट कर दूंगा, अपने स्टोरी में डाल दूंगा या पोस्ट में आपको अपडेट कर दूंगा। तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है राइड विद बाइक रजत। ऐसे ही बाइक रिलेटेड न्यूज़ या कार रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।